हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने 26 डेज में कैसे बेस्ट प्रिपरेशन करनी है अपने अपकमिंग NFSU एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो एग्ज़ाम 26 जून को है। सो BSc NMSC के बच्चों का जो एग्ज़ाम है, इट्स 26। सो 25th एंड 26th को एग्जामिनेशन होने वाला है। एक बार फिर से टाइम देख लेना है आपने। बट यूज लाइक मोस्टली जो BSc के एग्जाम, BSc तो 26th को ही हो रहा है, बट MSc के कई सारे और अदर वेरियंट्स है एंड स्पेशलाइजेशन है, तो वो एक बार चेक कर लेना है। बट जो BSc फॉरेंसिक साइंस है एंड जो MSc फॉरेंसिक साइंस है, वो 26 जून को ही कंडक्ट करी जाएंगी। सो यू हैव 26 डेज इन योर हैंड, एंड इन 26 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अ जेंटल रिमाइंडर दैट NFSU की क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप में चल रही हैं। यू आर नॉट लेट एट ऑल। अभी बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि हम तो लेट हो गए हैं क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए खुद को। नहीं, यू हैव गुड 26 डेज इन योर हैंड, एंड जिस भी तरीके से मैं आपको भी बता रही हूँ उस प्रॉपर वे में आपने पढ़ाई करनी है। सो 26 डेज बिल्कुल भी कम नहीं है। सो इवन जो अभी स्कूल के बच्चे हैं, जो अभी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनकी 7th को एग्ज़ाम फिनिश होने वाली है, एंड उसके बाद वो प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, राइट? सो बोर्ड एग्जाम से जैसे ही वो फ्री होंगे, उनके पास फिर उनको 20 to 25 डेज ही होंगे। लेट्स जस्ट से 20 डेज। सो 20 डेज में भी यू कैन स्मार्टली प्रिपेयर फॉर NFSU एंड यू कैन गेट द एडमिशन देयर। सो कोई भी कम टाइम नहीं है ऑफ 26 डेज। इट्स अ गुड टाइम, गुड अमाउंट इन योर हैंड। सो बट अभी से आपको सीरियसली पढ़ाई शुरू कर देनी है। ओके, सो फोकस क्या करना है आपको? एग्जाम सेंट्रिक पढ़ाई करनी है। ओके, एग्जाम सेंट्रिक पढ़ाई मतलब एग्जाम में जो भी चीज़ें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे आप टीचर को परेशान करते हो ना, आप इंपॉर्टेंट हमें बता दो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वही एग्जाम सेंट्रिक स्टडी आपने करनी है। आपने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो ये एग्जाम सेंट्रिक स्टडी आपने करनी है एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है अपना पूरा प्लान। सो प्लान क्या होने वाला है? सो BSc एंड MSc साइमल्टेनियसली। ओके, सो NFSU की क्लासेस बोथ BSc MSc, बोथ BSc एंड MSc एंट्रेंस, MSc BSc, BSc MSc का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है स्कूल के, अभी जो स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं बच्चे, या फिर जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनके लिए BSc MSc। ओके, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सिर्फ BSc का कोर्स नहीं है क्या, या सिर्फ हम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते क्या? सो आपने BSc MSc का फॉर्म फिल करना है, एंड अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, इफ़ यू हैव योर अदर प्लान्स, लेट्स से आपको UPSC देनी है, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। सो आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके यू कैन टेक योर डिग्री। ऐसा आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि अगर आपने BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स का एंट्रेंस दिया तो आपको MSc करनी ही पड़ेगी। नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स योर विल। आपको अगर मन है MSc करने का तो आप MSc कर सकते हैं, बट फर्दर आपको एंट्रेंस नहीं देनी पड़ेगी, जो अभी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं MSc एंट्रेंस देने में। सो सिर्फ इतना सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको MSc में NFSU में एडमिशन लेने के लिए दोबारा एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू फेस अनदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ NFSU। डायरेक्टली आप BSc से MSc में प्रमोट हो जाएंगे। एंड अगर आपको MSc नहीं करनी है, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आप अपनी BSc की डिग्री ले सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। सो एक साइड हम लेके चलते हैं BSc के बच्चों को, और एक साइड लेके चलते हैं MSc, क्योंकि इनिशियली BSc MSc इंटीग्रेटेड वाले पहले BSc करोगे, राइट? सो BSc एंड MSc। ओके, अब हमें पता है कि सिलेबस क्या है। BSc का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, देन यू हैव बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एंड देन यू हैव ग्रामर, रीजनिंग, ग्रामर, रीजनिंग एंड या दैट्स इट। ठीक है, सो ये जो पोर्शंस है, ये 70% आपका कंसिस्ट करता है, दिस इज 30%। ठीक है, ये आपका बेसिक सिलेबस है। MSc वालों के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, ये आपका लाइक होल थिंग है। सो ये आपका होल सिलेबस है। अगर जो स्पेशलाइजेशन कोई बच्चे कर रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी, सो जनरल फॉरेंसिक में फोकस करना है टॉक्सी पे। अगर डेंटिस्ट्री, सो
डेंटल उसमें आपने फोकस करना है। सो ये सारी चीज़ें मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ सिर्फ स्पेशलाइजेशन के बच्चों के लिए। अगर आपने फॉरेंसिक साइंस एमएससी फॉरेंसिक साइंस करनी है तो इट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड जनरल फॉरेंसिक साइंस। एंड अगर आप एमएससी टॉक्सिकोलॉजी कर रहे हैं या एमएससी डेंटिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी आप कर रहे हैं नर्सिंग में, तो आपको फोकस करना है थोड़ा उस साइड पे, जैसे कि टॉक्सी डेंटिस्ट्री एंड नर्सिंग लाइक दैट। ओके, एंड इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं है सिलेबस में। फाइन, आपको कितने क्वेश्चन डील कर रहे हैं? 100 क्वेश्चंस डील करने हैं। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एमएससी के बच्चों को देखने को मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जनरल फॉरेंसिक में। एंड जो बीएससी के बच्चे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि 70-30 का प्रोपोर्शन आने वाला है। ओके, अब कितने दिन हैं आपके पास? यू हैव 26 डेज। सो लेट्स जस्ट कंसीडर 25, क्योंकि आप 26 तक नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि 26 डे इज़ योर एग्जाम डे, तो उस दिन आप पढ़ नहीं पाओगे। यू जस्ट हैव 25 डेज इन योर हैंड, ठीक है? सो 25 डेज है, तो हमने क्या करना है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो 25 डेज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 10 डेज एंड 5 डेज। सो 5 डेज आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। लास्ट के 5 डेज आप सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करोगे, आप MCQs पढ़ोगे, आप MCQs सॉल्व करोगे, दैट्स इट फाइनल। ये जो बच गए 20 डेज, ठीक है, यू हैव 20 डेज इन योर हैंड। अब इन 20 डेज को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर योर सब्जेक्ट्स, ठीक है? सो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 30% है, राइट, सो 30% है कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरल ग्रामर और रीजनिंग, सो ये सारी चीज़ों के लिए, एप्टीट्यूड के लिए आप 30% आपको करना है। सो इन 20 डेज का लेस नंबर ऑफ डेज आपको डेडिकेट करना है फॉर दैट 30%, क्योंकि आप स्कोर करोगे 70% से ही। एंड कई सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि बेसिक लाइक कितने मार्क्स आपको लाने होंगे टू गेट इन टू देयर। सो मैंने स्टूडेंट से बात करी NFSU के फर्स्ट ईयर, जो अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में है, लास्ट ईयर उन्होंने NFSU के एंट्रेंस दी थी, तो उन्होंने बोला कि इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 60 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस में से अगर 50 क्वेश्चंस आप करते हैं, इन बिटवीन 50 to 60, कंपटीशन डिपेंड करता है कि बच्चे कितना आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने कोई सेट क्राइटेरिया सेट नहीं किया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कंपटीशन। सो 50 to 60 अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो इट्स श्योर थिंग कि आपको एडमिशन NFSU में मिल जाएगा। दैट इज़, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इट इज़ आफ्टर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स, ठीक है? जो स्टूडेंट्स का कहना है, आई हैड अ टॉक विद few NFSU students and they told me that it's around 50 to 60, sometimes less than that. So itna aapne thode se high marks soch ke rakhne, so that aap kam se kam maybe you just go like to that, like you can just go and touch that mark, theek hai? So ab ho gaye 20 days. 20 days aapne kaise distribute karna hai? So physics, chemistry, bio and math, so you can just like give a 5 days to physics, 5 days to chemistry and bio and math including 5 days, ठीक है? सो मुझे ये पता है कि जिन बच्चों ने 12th तक बायो पढ़ी है उनकी बायो स्ट्रांग है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी उनकी मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है? तो जो चीज़ें स्ट्रांग है, ठीक है, आई एम सेइंग इफ आई एम अ बायो स्टूडेंट, आई लव बायोलॉजी, सो आई नो कि कैसा लाइक वॉट इज़ देयर इन बायोलॉजी, सो आई हैव टू पुट लेस टाइम इन बायोलॉजी, ठीक है? सो जो मैथ का बच्चा है वो 4 दिन बायो पढ़ रहा है तब जाके वो मेरे लेवल पे पहुंच रहा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 दिन इन्वेस्ट करना है, ओके? सो इफ आई एम अ बायो स्टूडेंट, आई विल गिव 2 डेज टू बायो एंड 3 डेज टू मैथ, क्योंकि मैथ में आप 10 डेज भी लगा दोगे तो यू विल स्टिल स्ट्रगल, दैट्स द फैक्ट, ठीक है? सो आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो जो आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट है उसको आपने और स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करो, बिकॉज यू कैन स्कोर मोर लाइक थ्रू दीज टू सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फाइन? एंड मेन कॉम्पिटिशन यहीं से निकलेगा। एंड देन आपके जो 5 डेज बच गए, इट इज़ फॉर कंप्यूटर एंड रीजनिंग, ठीक है? ग्रामर, कंप्यूटर एंड रीजनिंग। सो जो 25% है वो जो 30% है वो आपका कंप्यूटर, जनरल ग्रामर एंड रीजनिंग से आएगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 डेज इन्वेस्ट करो। अब आपने टाइम टेबल कैसे सेट करना है, वो आपने खुद से बनाना है टाइम टेबल, कि कितना टाइम आप पढ़ेंगे, कितना रिविजन करेंगे, कितना MCQ प्रैक्टिस करेंगे। सो अलॉन्ग विद दीज 5 डेज, तो जैसे आपने फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, MCQ सॉल्व कर लो, जिस भी सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपने MCQ सॉल्व करना है, ओके? एंड एवरीथिंग इज देयर इन आवर ऐप एंड इट गेटिंग अपलोडेड डे बाई डे फ्रीक्वेंटली, एंड यू कैन ज्वाइन दैट, फाइन। नेक्स्ट इज MSc के बच्चों के लिए, सो अगेन इफ आई एम लाइक आई एम सेइंग अगेन, यू हैव
20 डेज इन योर हैंड, क्योंकि जो 5 दिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एम सी क्यू के साथ ही डील करना है, एंड स्मॉल जो पीसेस रह गए पजल के वो आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। सो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को देना है 5 डेज, एंड आपने 2 दिन देना है बायो को, एंड देन यहाँ पे फिर से आपको 2 डेज देना है जनरल फॉरेंसिक्स को, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे हैं तो आपने जितने सॉरी 5 डेज लेट्स से 5 डेज आपने बायो को देने, 15 डेज हो गए, एंड 5 डेज आप इनको देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीज़ें आप जैसे कि कंप्यूटर रीजनिंग एंड ऑल दैट आपको ये हैंडल नहीं करना है, सो इक्वली यू कैन गिव 5 5 5 डेज टू दीज सब्जेक्ट। एंड जो 5 डे लाइक जो 5 डेज बच गए उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs ही डील करने हैं, MCQs सॉल्व करो, जो सॉल्व नहीं हो रहे उनके कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर लो, फिर से MCQ सॉल्व करो, जो MCQ नहीं आ रहा है जो आपने गलत कर दिया उसके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लो, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, एंड लाइक दैट यू हैव टू स्पेंड योर 5 डेज, एंड इससे आपकी लास्ट एग्जाम डे तक एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस रहेगा आप सभी को एट द डे ऑफ एग्जाम। सो डिस्ट्रीब्यूट योर नंबर ऑफ डेज नाउ, इट इज़ अ हाई टाइम, आपने ऑलरेडी लाइक इट्स ऑल डन नाउ, यू हैव ओनली 25 डेज इन योर हैंड, एंड इन 25 डेज में यू कैन प्रिपेयर बेस्ट इफ यू आर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटिंग नंबर ऑफ डेज टू लाइक सब्जेक्ट्स, एंड आप प्रॉपरली MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट एवरी वन, सो लाइक दैट यू कैन प्रिपेयर दैट, लाइक दैट यू कैन लाइक मेक योर टाइम टेबल टू प्रिपेयर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई होप यू गेट द एडमिशन देयर एंड यू गेट गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग, ओके। सो ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड येस डू जॉइन अवर क्रैश कोर्स बिकॉज इट्स जस्ट 25 डेज, यू कैन गेट हेल्प एंड यू कैन प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच अगेन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।